त्रयम् भैरवम् सिद्धगोपटक त्रयम् पदिकम् त्रिविक्रमाण्डलम् वीरानच्युत षष्टकम् वीरावली पंचकम् श्रीमन्माल्य मंत्रासेकम् वंदे गुरोर्मण्डलम् गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु जन्म दिवस का तीसरा दिन, सूर्य भगवान अपना प्रताप बताते हुए 45 डिग्री से 48 डिग्री तक का धूप हमारे ऊपर प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे समय में साधकों का आना बहुत मुश्किल कठिन भी है, लेकिन जो साधक इस तपस्या में अगर खड़ा नहीं रहा तो फिर वो मेरे साथ तपस्या में आने का क्या मतलब क्या रखेगा, तपस्या क्या करेगा। मैंने इस बार की पत्रिका में लिखा है, मैं अगले 3 साल के लिए उन लोगों को चुनूंगा, उनके लिए परीक्षा रखूंगा, जो इस मेरे परीक्षा में पास हो गए वो 3 साल तक मेरे साथ साधना करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम तो जरूर आखिरी तीसरे साल के आखिरी दिनों में सिद्धाश्रम के चौखट पर जरूर माथा टेकेंगे। जो मेरे साथ ये बात अलग है, आपके बच्चों की शादियां हैं, पत्नी से प्रेम है, घर में बहुत धन पड़ा हुआ है, उसका क्या होगा, बड़ी नौकरी है, कल प्रमोशन आने वाला है, उसका क्या होगा, मैं नौकरी करके किस तरह जाना चाहिए, रिटायरमेंट के 2 साल है, मुझे आना चाहिए, मेरी बीवी की मेरी बेटी की शादी है, मैं कैसा हूँ, ये सब आपकी इच्छा है। मैंने निर्णय लिया है, मुझे इस बात का संताप है, आज भी इस बात का दुख है, 17 साल मैंने कल कहा 17 सालों से मैं आपको साधनाएं देते हुए आ रहा हूँ, लेकिन कोई एक आदमी भी मुझे ये नहीं कहता कि गुरु जी मेरे साथ साधनाएं नहीं हो रही है, मुझे दुख होता है कि मैंने आज तक ये साधना नहीं की। कभी भी आओगे तो केवल यही कह के आओगे कि मुझे बुखार आया है, मेरे बच्चे को सीट नहीं मिला, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे दुख है, यही चल रहा है और मैं इसको लेते लेते हुए आज तक आया। अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, अब मैं मेरे दिल की करूँगा। इसके लिए मैंने अभी निर्णय ले लिया है ये कि आज के दिन से गुरु पूर्णिमा 75 दिन है, 75 डेज है, आज से 75 डेज पर गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा में 41 दिन 41 डेज जो मेरी साधना में मैं जैसा कहता हूँ इसी साधना करके मुझे पास लगेगा, उसे मैं 3 साल तक मेरे साथ रखूंगा। ये बात अलग है कि आपकी जगह नौकरी आपकी जगह, मुझे कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनको 2 दिन में आने 3 दिन आने के लिए उनकी नौकरी उनका काम उनकी ये सारी चीजें अड़े आई। आज इतने ही लोग क्यों आए, क्यों वो लोग नहीं आए, कोई किसी को बुखार आया होगा, किसी के बच्चे रुला रहे होंगे, किसी को रात में सुबह से काम करके थक गया होगा, कोई नौकरी है, कोई अपने अपने कारण बताए होंगे, अपने अपने कारण उनके साथ हैं, मैं कारणों को नहीं देता, लेकिन गुरु से बढ़कर कोई नहीं है कहने वाला ही यहाँ आता है। ये सारी चीजें उनकी 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 बातें, फिर भी मैं कहता हूं कि तुम अगर ये 2 दिन आते थे तो तुम्हारे जीवन के वो अमृत क्षण जो बीते नहीं आते, उस दिन भी मुझे पता है जब मैं गुरु जी ने शिविर करने के लिए कहा था, मैं केवल 2500 पगार महीने की तनख्वाह वाला एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, मुझे गुरु पूर्णिमा शिविर करना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन आज मैं उस शिविर को नहीं करता या उस शिविर को नहीं करता आज भी मैं दिन नहीं दिखता। आज उस दिन मैं नौकरी की परवाह करता या उस दिन मेरे पैसों की परवाह करता, मेरे बच्चों की परवाह करता, मेरी पत्नी मेरे भाइयों की मेरे घर के परवाह करता, तो आज मैं ये दिन देखने को नहीं मिलता। उस दिन ही मैंने हर हर महादेव करके दोनों हाथ उठा दिए, बोले गुरु से बढ़कर कोई नहीं, और आज तुम ये दिन देखने में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हुआ। मैं तुम्हारी इच्छाओं के लिए, तुम कितनी भी मेरी इच्छाएं 17 साल से तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो या पूर्ण हो ही रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन क्या आखिर तक भी कोई पूर्ण होने वाली नहीं। कल शादी हुई थी, शादी के बाद बच्चा होने के लिए देर हुआ तो बच्चा हुआ, बच्चा अच्छा पढ़े अच्छी नौकरी मिले उसकी भी प्रार्थना करें, बच्चों की शादियाँ हो गई अब बच्चों को बच्चे होने के लिए प्रार्थना करेंगे, ये दिन तक आ गया 17 साल में। आपकी इच्छाएं कोई पूर्ण होने वाली नहीं, वो तो इक्के पीछे एक लगे वाली है, और मैं आपकी इच्छाएं पूर्ण करते करते मेरी इच्छाओं को मार लेते हुए जी रहा हूँ। अब हमने ऐसा निर्णय नहीं करूँगा, ये आने वाले 75 दिनों में 41 दिन जो साधक मुझे देगा वो मेरे साथ सिद्धाश्रम चलेगा, ये मेरा वादा रहा। उन 41 डेज उस 41 दिन की परीक्षा केवल ये होगी, किसी भी सोमवार या गुरुवार से 41 दिन का संकल्प लेना, पांव में चप्पल नहीं पहनेंगे, साधना करते समय पीले वस्त्र पहनेंगे, गुरुचारक पहनेंगे,
हाथ में गुरु जी की स्फटिक माला होगी और एक स्फटिक माला आपके शरीर पर धारण की होगी। वो स्फटिक मालाएं साधना करने वालों को मैं मेरे हाथ से दूंगा। संकल्प सीधा सीधा है, पहले 10 दिन केवल दही भात खाकर, दही या दूध भात खाकर पहले 10 दिन गुजारेंगे और उस समय का मंत्र होगा ओम परम। ओम परम का 10 दिन में 1,00,000 मंत्र करेंगे। उसके बाद 10 दिन एक समय भोजन करेंगे, तत्वाय का मंत्र जप करेंगे 1,00,000 10 दिन में। उसके बाद 10 दिन तीसरा दिन नारायण का जप करेंगे, केवल फल दूध और इसी के ऊपर दिन गुजारेंगे। और आखिरी 10 दिनों में केवल भिक्षान्न ग्रहण करेंगे, वो भी भिक्षान्न घर में जाकर आपकी लाज मर्यादा अहंकार सब छोड़कर आप 12 से 1 के बीच में 5,000 भिक्षा मांगेंगे और जो अन्न आया वो खा के जो मेरे पास 41वें दिन मेरे पास आएगा मैं उसको मेरे साथ सिद्धासन ले जाऊंगा, मैं आपके साथ बैठा हूँ जरूर ले जाऊंगा। जो इस साधना में मेरे साथ साधना करके आएंगे न्याय और सत्य के साथ, झूठ बोल के नहीं, 5 घर मांगेंगे, मांगने के लिए भिक्षा जमा करूंगा तो अपने घर में पहले ही बोल के रखेंगे कि मैं भिक्षा को आ रहा हूँ, भिक्षा डाल, ऐसी लोतरी नहीं करेगा। क्योंकि इस बात में ऐसी चीजों में एक बार ऐसा ही काम हुआ था। प्रभंजन नाम के एक राजा रहा करते थे। वो राजा एक बार अगस्त्य महर्षि के आश्रम में गए और उन्होंने उनके साथ बैठे बैठे बात करते रहे तो उनको वो दीक्षा में थे, उनके गुरु उनके पास आए और उन्होंने अपनी बात से बात करते हुए कहा कि हे गुरु आप क्या कर रहे हैं। बोले मैं बहुत दिनों से तपस्या रत हूँ, मेरे लिए दूध लेके आ, कहीं गाय से दूध मिलता है तो सेवा के लिए गाय का दूध लेके आ। वो गए, कहीं जंगल में गाय नहीं मिली तो बकरी का दूध लेके आए और बोले महाराज जी ये बकरी का ये गाय का दूध है पी लो। महाराज तपस्वी थे, उन्होंने कहा जिस झूठ बोलकर तुमने मेरे एक बकरी का दूध लाया है इस झूठ का प्रायश्चित मैं तुझे देता हूँ, तू इस झूठ के कारण एक महान तपस्वी की तपस्या भंग करने के लिए देखा है, उस बकरी जिस बकरी का दूध लाया है उस बकरी को खाकर ही तू जी, ऐसा है मुझे श्राप देता हूँ तुझे, तू व्याघ्र बन जा और उसको व्याघ्र बनने का श्राप दे दे। महाराज गिड़गिड़ाए प्रार्थना गई, बोले मुझसे गलती हो गई, आप मुझे इसका कोई मार्ग बताओ। बोले इसका मार्ग है जिस दिन तुझे एक योग्य गाय तुझे क्षमा करेगी, तुझे क्षमा की भिक्षा कहेगी और तुझे क्षमा क्या कहेगी उस दिन तेरे पाप का प्रायश्चित होगा। यही बात बाद में ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती जब ब्रह्मा जी के पास गई और कहा कि गंगा यमुना जैसी नदियां श्रेष्ठ बनकर अपनी अपनी जगह बह रही है और वो पुण्य का कार्य कर रही है, मेरा पुण्य का कार्य क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी नदी बनकर बह जा, लेकिन ब्रह्मा जहाँ साक्षात रूप प्रत्यक्ष रूप में रही है मैं वहां बहूंगी, बहने भी लगूंगी तो आप मेरे पिता कहाँ हैं, आप आशीर्वाद देने वाले मेरे पिता कहाँ हैं। तो तब से सरस्वती को गुप्त रहकर बहने का वरदान मिला। लेकिन सरस्वती जब गुप्त रहकर बह रही थी तो एक बार ऋषि पुलस्त्य महर्षि उस नदी से जा रहे थे और उन्हें गंगा यमुना का दर्शन किया, सरस्वती माता का दर्शन नहीं लिया। तो उन्होंने कहा सरस्वती तू ऊपर आकर मुझे दर्शन दे, ये दर्शन का कार्य नहीं हुआ। तो वो श्राप देने गए, उतने में सारे सप्तऋषि बाहर आए और पुष्कर में माता सरस्वती का दर्शन होगा जहाँ ब्रह्म पुष्कर है ऐसा कहा। माँ सरस्वती ब्रह्म पुष्कर में आए, सारे ऋषियों को उन्होंने दर्शन प्रदान किया। सरस्वती दर्शन प्रदान करने के बाद जब आई तो वो एक पुण्य सलीला सरस्वती माता को उन्होंने कहा कि यह तो श्रेष्ठता की सरस्वती है, तुम्हें क्या करना है। तो माता ने ब्रह्मा जी ने कहा हे सरस्वती तू जिस कारण अदृश्य रूप में बह रही है अगर तुझे दृश्य रूप में किसी की सहायता करनी है तो तुझे एक वरदान देता हूँ, तू सबसे पूजनीय माता गायत्री के रूप में गाय के रूप में अवतार ले रही और तुझे इस संसार में नंदा का नाम देकर मैं तुझे इस संसार में गाय के रूप में, तू जब चाहेगी सरस्वती बनोगी और जब चाहेगी गाय का रूप धारण करोगी। जब नंदा के रूप में गाय बनकर वह जंगल में रहने लगी तब एक दिन वो अपने बछड़े को बहुत दिनों के बाद बहुत सुंदर गाय थी उसका बछड़ा हुआ और उस बछड़े को लेकर अपने गाय दूध देते हुए जंगल में जा रही थी, गाय के झुंड जा रहे थे। जाते समय एक गाय जंगल में एक जगह चली दूसरी गाय दूसरी तरफ चले गए तो उस गाय ने जब सामने गया तो सामने एक व्याघ्र सामने आया और उस व्याघ्र ने गाय को देखते ही कहा ठहर जा, आज मुझे भगवान ने तेरे को भक्ष बनाने का एक वरदान दिया है, आज तुझे मैं खा जाऊंगा। नंदा की आंखों में आंसू आ गए, उसे अपने बछड़ी की याद आई जो बछड़ा केवल दूध पर घास भी नहीं खाता
दो तीन दिन ही हुए बछड़ा हुआ है, उसको घास भी खाना नहीं आता और तुम मुझे खाने की बात कर रहे हो। हे व्याघ्र, मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूँ, एक बात मेरी सुनो। तो उसने कहा, तुम्हारी बात क्या सुनने का? मैं शपथ खाकर कहती हूँ, जो अगर मैं मेरे बछड़े को दूध पिलाकर वापस न आई और उसका खाने पीने का इंतजाम न करके वापस आई तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मुझे वो पाप लगेगा जो ब्राह्मण घर में आने के बाद उसको अतिथि सत्कार न देकर, खाने पर बुलाकर उसको खाना न खिलाकर भेज देने से जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लग जाने दे अगर मैं फिर वापस के लौट कर नहीं आई। मुझे वो पाप लगेगा एक देवता को किसी बात की मन्नत करके पूर्ण न करने पर जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगेगा। गंगा को दूषित कहने से जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगेगा अगर मैं लौट के नहीं। इस प्रकार वो एक के बाहर एक शपथ लेने लगी व्याघ्र को कि मुझे एक बार मेरे बछड़े को दूध पिलाकर आने दे। और उसकी आंखों में आंसू थे। व्याघ्र ने देखा, कहा कि इसकी आंखों में आंसू है और सत्य कह रही है। तो उसने कहा, मैं यहीं तेरा इंतजार करता हूँ, तू जाकर मेरे बछड़े को दूध पिलाकर आ। लेकिन व्याघ्र को लगा, अगर तू नहीं आई तो मैंने तो शपथ ली है, नहीं आए तो उस पापों को भोगूंगी, तेरे पाप के भोगने से मेरी भूख तो मिटने वाली नहीं है, ऐसा व्याघ्र ने कहा। तो अगर तेरी भूख नहीं मिटी तो मैं सप्त जन्म तो तेरा ही आहार बन के रहूंगी। ये भी बात कहते हुए नंदा अपने घर गई। वहाँ बछड़ा था, बछड़े को देखकर बछड़ा भागते हुए आया, वो दूध पीने लगा। तो नंदा ने कहा कि हे गाय के तू मेरे बच्चे, आज ये तेरा अंतिम बार मैं दूध दे रही हूँ, कल से मुझे तुझे दूध देने वाला नहीं होगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ और तू मुझे तेरे जीवन का लक्ष्य तुझे देखना है। उन्होंने दूसरे गायों को बुलाया और कहा कि मैंने ऐसा वचन दिया है, मैं व्याघ्र का भक्ष होने जा रही हूँ, यह मेरे बछड़े को आप सब लोग देख लेना। तो सभी गायों ने कहा कि अपने प्राण को बचाने के लिए लाख झूठ बोल सकते हैं, तुम भी झूठ बोल दो। तो गाय ने कहा, नहीं, मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने वचन दिया है, मैं व्याघ्र के लिए भक्ष बनने के लिए जरूर जाऊंगी, लेकिन तुम ये वचन दो कि मेरे बच्चों को देखेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जगह तो रखते। तो बच्चा कहने लगा कि माँ तू चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। जो अपना पुत्र अपने माता को अगर माता के साथ नहीं मरता है, माता की रक्षा नहीं कर सकता, तो पुत्र किस काम का, मैं तेरे साथ आता हूँ। लेकिन कहा कि माता ने कहा कि हे बेटा, तूने जो कहा बात सच है, कोई माता अपने पुत्र को अपने साथ मरते हुए नहीं देखती और मैं तुझे भी मेरे साथ मरते हुए नहीं देखना चाहती। मेरे कारण तू मेरे से जन्म लेकर मरता है तो वो पाप मुझे भी लगेगा, वो पुत्र हत्या का पाप होगा। तू किसी भी तरह मेरे वचन को मानकर तू यहाँ रह जा, इन सभी को देखते हुए तू रह जा, मैं मेरा वचन पूर्ण करके आती हूँ। बछड़े को उसने दिया और वो फिर व्याघ्र के पास चली गई। व्याघ्र के पास चली गई और व्याघ्र के सामने खड़े कर, देख व्याघ्र, मैं तेरे पास आ गई हूँ, अब तू मुझे भक्ष कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं पहली बार एक पशु को इतनी श्रेष्ठता से देख रहा हूँ जो अपने वचनों को बद्ध होकर यहाँ आई है, तू कौन है, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा, मैं नंदा नाम की गाय हूँ, ब्रह्मा की पुत्री हूँ, सरस्वती नदी के रूप में और गाय के रूप में यहाँ रहती हूँ, तुझे भक्ष करता है। जैसा ही नंदा का नाम लिया, वो व्याघ्र अपने आप का शाप मोचित हुआ और प्रभुंजन राजा फिर अपने रूप को धारण कर लिया। तो इन दोनों के इस क्षण को देखने के लिए वहां से जाने वाले जिस ऋषि के रूप में इन्होंने प्रभुंजन राजा को श्राप दिया था, वो ऋषि वहाँ आए और उन्होंने कहा कि मैं यम धर्मराज हूँ, यहाँ आया हूँ आज नंदा को श्रेष्ठता देने के लिए, जो सरस्वती नदी में नंदा के पास श्राद्ध और श्राद्ध कर्म करते हैं या पिंड प्रदान करते हैं, उनके पुत्रों का उद्धार होता है। जब ये बात पता चली नंदा के बेटे को कि मेरी माँ को व्याघ्र ने छोड़ दिया है उसके शक्ति के कारण, तो बछड़ा भागते हुए आया और माँ के पास आकर कहने लगा कि माँ, तू तो बच गई, तूने तो कहा है। तो उन्हें कहा कि हाँ, यम धर्मराज वहाँ खड़े थे। तो उन्हें कहा कि मेरी माँ को मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ, मेरी माँ की मैं किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तो धर्मराज ने कहा कि तू तो ये तेरी माँ सरस्वती नदी भी है, कभी नदी बनती है और कभी गाय बन सकती है, वो तो अदृश्य रूप में रहती है, फिर नदी बन गई तो मेरा क्या, मुझे कौन खाना खिलाएगा। तब कहते हैं कि ब्रह्मा यम धर्मराज ने उस बछड़े का नाम नांदी रखा और कहा कि यहाँ सरस्वती नदी में जो भी पिंड दिए जाएंगे वो पिंड तुझे खाने के लिए दिएगा, उसको उसका नाम होगा नांदी श्राद्ध। और नांदी श्राद्ध देने के बाद उस नांदी श्राद्ध के कहने से उस दिन से वो नांदी श्राद्ध की प्रथा आरंभ हो गई और ये प्रथा चली। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी मुझे वचन देना होगा कि आप 41 दिन करते हैं तो सत्य वचन के साथ ये कार्य करके आए हैं, हमने आपका नहीं तो उसी पाप के भागी आप भी होंगे। कोई नहीं आया, किसके साथ नहीं हुआ तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ, मैं अकेला जाऊँगा। लेकिन ये 3 वर्ष उसी सिद्धाश्रम की प्राप्ति के लिए जो गुरुजी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है,
कोई डंगे की चोट पे यह कह सके आज गुरुजी का शिष्य कि मैं गृहस्थ रूप में गुरुजी के डॉक्टर नारायण सिमाली जी गुरु के शिष्य के रूप में मैं सिद्धाश्रम पहुंचा हूं उनका मंत्र जप करते हुए कोई एक बार कम से कम इस 3 साल में कह सके। आप कहीं भी भारत में घूमो कहीं उसके चरण पहले छूता हूं जिसने ये बात कही। और ये कार्य नहीं हुआ तो मैं गुरु कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करने में मेरा कोई उद्देश्य यह नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। आज भी यहाँ मैं किसी स्वार्थ से निखिल चेतना केंद्र की स्थापना नहीं किया हूँ। इससे कोई आमदनी के लिए मैंने नहीं किया हूँ। निखिल चेतना केंद्र केवल साधना के रूप में, साधना की स्त्री के रूप में इसकी स्थापना की। और आज 17-18 वर्षों से केवल यही कार्य करते हुए आया हूँ कि आप साधना करें, सिद्ध हो, सिद्धाश्रम की सिद्धाश्रम के उन सीढ़ियों पर आप कदम रख सके इसके प्रयत्न में रहा। लेकिन उस प्रयत्न में आज मैं अपने आप को असफल और असमर्थ मानता हूं कि मैंने किसी को ऐसा तैयार नहीं कर सका। इसके लिए पहले अपने आप की बलि चढ़ाता हूं, पहले अपने आप को साधना के ऊपर जाता हूं और उसको करके बताता हूं कि संसार में कोई कह ले कि गृहस्थ भी सिद्धाश्रम की सीढ़ियों तक पहुंचा था जो परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी का शिष्य था और वो गृहस्थ रूप में भी गया। इस बात को मैं इस संसार में बताना चाहता हूं कि ऐसा हुआ है। और जब तक हम सत्य वचन होकर काम नहीं करेंगे, जब तक साधना के रूप में हम यहाँ अवतरित नहीं होंगे और साधना नहीं करेंगे, हम गुरु जी के वचनों को सिद्ध करने वाले नहीं कहेंगे। बहुत कुछ हो गया, मैं बहुत बार तुम्हें चिल्लाता रहा, कहता रहा ये साधना करो वो साधना करो, तुम सिद्ध हो जाओ। केवल मेरे से यही बात करते रहे कि मेरी ये कामना पूर्ण नहीं हुई, मेरी वो कामना पूर्ण नहीं हुई, मैं ऐसा जीऊँगा, मैं वैसे जीऊँगा। कभी आपने एक बात नहीं की कि सिद्धाश्रम के उस आपके कार्य में मैं संविधा बनकर आपके साथ। और मैं इस परीक्षा इस गुरु पूर्णिमा पर एक देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने लोग मेरे साथ आ रहे हैं। कोई ना आए तो इसकी चिंता नहीं, और आपको कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ, आपकी दिल से आपको हो सकता है तो इस 41 दिन को इस 75 दिन में 41 दिन करके जो साधना रथ होकर मेरे पास आएगा उसे मेरे साथ 3 साल रखकर मैं आगे हिमालय के चंद्राओं तक पहुँच जाऊँगा, ये मेरा वचन है। आज इस कार्य को करने के लिए हमारे में शक्ति चाहिए, हमारे में सामर्थ्य चाहिए। हम सामर्थ्यवान हैं या नहीं अपने आप को प्रश्न कर लें। हम हमारे जीने के लिए ही रोज एक उद्यम जैसा एक रणनीति युद्ध कर रहे हैं हमारे जीने के लिए। बीवी बच्चों को, बीवी को अपने अनुकूल बनाने के लिए, बच्चों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, बच्ची एक कहते हैं बच्चा एक कहता है, बच्ची को शादी करो तो पति शादी नहीं करती, अगर पति को गए तो पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, नौकरी कर रहे तो इतना क्यों पैसा नहीं कमा के लेते, 10,000 में ही क्यों कमाए हो, 100,000 नहीं कमा सकते क्या। अब ये झगड़ा हर घर में चल रहा है, तुम इतना पैसा लाओ कहाँ से भी लाओ कुछ भी करो, ये बातें तुम्हारे में चल रही है, हो ही रहा है। और ये चलते चलते आप मेरे पास आते हैं, इसकी तो मैं आशा नहीं करता। अगर आया तो मेरा भाग्य है, कोई अगर मेरे साथ आ गया तो मैं मेरा भाग्य समझूंगा। जिसको हर हर महादेव करते हुए और इस समर्पण स्तुति में वो बात कहते हुए कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कहने वाला कोई व्यक्ति भी मेरे साथ आ सकता है। नहीं तो ये आप झूठ कह रहे हो, गुरु से भी छल कर रहे हो आप, गुरु से भी गुरु को भी कह रहे हो कि आप मुँह से कहते तो हो करते कुछ नहीं। 18 सालों से वही हो रहा, हम देखते हुए आ रहे हैं। और ये जब तक नहीं होगा इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ कि आप असमर्थ ना जिए, आप सामर्थ्यवान जिए। उसके लिए गुरु जी ने किस प्रकार कहा था, एक नेपाल का शिष्य था स्वामी निखिलेशानंद जी के साथ था, उसका नाम था वामांग। और वो वामांग अपने अगर निखिलेशानंद स्तवन स्तुति पहनी हो तो उसमें है वामांग नाम का एक नेपाल का, नेपाल में रहने वाला साधक। स्वामी निखिलेशानंद जी जब एक सरोवर के पास तपस्या करके बैठे थे तो आए और वो स्वामी निखिलेशानंद जी को देखकर उनकी सेवा करते हुए बैठा हुआ था, उनके पांव दबाया, उनको जो चाहिए वो लाके दिया। ऐसे ही उन्होंने 21 दिन तक स्वामी निखिलेशानंद जी की साधना, स्वामी निखिलेशानंद जी की सेवा की। तो स्वामी निखिलेशानंद जी ने उसे कहा कि तू क्या चाहता है, तू किस लिए सेवा कर रहा है। उसने कहा मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्या करना है ये भी नहीं मालूम। तब स्वामी निखिलेशानंद जी ने कहा तो ऐसा कर, तेरा और तेरा पूर्व जन्म का संबंध होगा उसी लिए तू आज यहाँ आया है, आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू यहाँ से मैं सीधा सिद्धाश्रम जा रहा हूँ, तू सिद्धाश्रम को आ जा। उसको गुरु मंत्र भी नहीं मालूम, उसको क्या करना है यह भी नहीं मालूम, उसने ये भी नहीं पूछा कि सिद्धाश्रम है कहाँ। स्वामी निखिलेशानंद जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तू सिद्धाश्रम आ जा। वो नेपाल का रहने वाला था तो बोले प्रभु आप चलते रहो, मैं आपके पैर के कदम जहाँ जहाँ जैसे पड़ेंगे मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। स्वामी निखिलेशानंद जी चलते हुए गए, कम से कम 100 कदम चले गए, स्वामी निखिलेशानंद जी अदृश्य हो गए। उन कदमों पे चलते हुए आया और वहाँ कदम चले गए तो उसके आंखों से आंसू आ गए और वो वहाँ नमस्कार कर लेके
प्रार्थना करते हुए बैठ गया कि प्रभु अब आगे कदम नहीं दिख रहे, मैं किधर से आया, किधर आपसे मिलूं, कहां मिलूं, किस तरह करना है मुझे। और फिर जब आंखें खोल के देखता है तो दूर पे स्वामी कृष्ण जी जा रहे हैं उसको दिखा। फिर वो भागते भागते उसके पीछे गया। कहते हैं कि वह उस तरह 6 महीने भागता रहा, 6 महीने गुरु जी उसको भगाते रहे। ये उसको ये भी मंत्र भी नहीं मालूम था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब जैसे ही वो मानसरोवर को पार कर गया तब गुरुजी एक जगह रुके। अरे इतनी दूर चला आया तू देखता नहीं, तो उसके पाँव में फटे थे छाले पड़ गए थे, उसके पाँव में कांटे छुप गए थे, इस प्रकार था, सारे पत्थर से सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसको ये भी पता नहीं था कि वो चलते हुए आ रहा है या गुरुजी ने बुलाया और मैं आ रहा हूँ, इसी स्थिति से वो चल रहा था। गुरुजी ने उसको वहाँ दीक्षा दी और अपना गुरु मंत्र का एक विशेष मंत्र दिया कि जो चलते समय उसको किसी प्रकार का कष्ट ना हो और वह चलते हुए मैं जहाँ तक जाऊँ वहाँ तक आए। गुरु जी को क्यों उसके ऊपर कृपा हुई, वो कौन था और उसको क्या करना चाहते थे गुरु जी, ये मालूम नहीं। केवल उसकी निष्ठा और उसकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो गए थे। जो 21 दिन तक वो न सोया था न कोई खाया था, गुरु जी की सेवा में सेवारत था, उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और गुरु जी ने उसको सीधा श्रमाने की बात कही। मानस सरोवर से गुरु जी ने उसको रास्ता बताया और कहा कि तू ये मंत्र बोलते हुए आ जा। वो मामांग मंत्र बोलते हुए आगे चले गया। चले जाने के बाद सिद्धाश्रम का जैसा ही द्वार आया, वहाँ भैरवों ने द्वारपाल पर उनको रोका और कहा कि तू कहाँ जाना चाहता है, तू कौन है, तेरी ये सब तेरी आकार की वृत्ति है क्या है, तुझे क्या बात है, तू क्या जाता है। तो उन्होंने कहा स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सिद्धाश्रम में आए, उन्होंने मुझे आने के लिए कहा, मैं यहाँ आया हूँ। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहे इसका प्रमाण क्या है कि तुम्हें, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ने तुम्हें कहा है कि आने के लिए प्रमाण है तेरे पास कोई, उन्होंने कहा प्रमाण नहीं है, यहाँ केवल उन लोगों को ही प्रवेश मिल सकता है जिन्होंने 3 महाविद्याओं से 3 महाविद्याएं सिद्ध की है। उन्होंने कहा 3 महाविद्याएं होती क्या है, महाविद्याओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है, किसे महाविद्या कहते हैं, महाविद्या किसे कहते हैं, क्या नाम है। तो उस भैरव ने कहा महाकाली विद्या। उन्होंने कहा प्रभु निखिलेश्वरानंद जी महाकाली विद्या कहाँ है, ऐसा पूछा। तो वो द्वारपाल देख के आ रहा था, उनके सामने महाकाली प्रत्यक्ष होकर खड़ी हुई, और वो डर गया, बोला दूसरी विद्या कहाँ है, इसको नहीं दिख रहा था लेकिन वो द्वारपाल को महाकाली दिख रही थी। दूसरी विद्या कौन सी है, बोले तारा महाविद्या। प्रभु स्वामी निखिलेश्वरानंद जी तारा महाविद्या कहाँ है। उसने भैरव ने देखा कि तारा महाविद्या खड़ी है। उसने तीसरी बार कहा तीसरी महाविद्या कौन सी, बगलामुखी। प्रभु बगलामुखी महाविद्या कहाँ है, बगलामुखी आकर खड़ी हो गई। भैरव ने देखा अरे बाबी तू कौन है, मुझे नहीं जानता। बोले क्या नहीं तूने पूछा, मैं भी पूछ रहा था स्वामी निखिलेश्वरानंद को, तुझे नहीं दिखी 10 महाविद्याएं, नहीं दिखी, फिर तू कैसा आगे जाएगा, नहीं नहीं तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, फिर बोल मुझे क्या करना है, तुझे अगर प्रत्यक्ष होती है तभी बोलूंगा, प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, इसने कहा तुझे माता जी दिखे इसे प्रत्यक्ष कहा गया, तो बोल फिर अभी क्या करना है। बोले नहीं नहीं मातंगे महाविद्या तुझे पता है क्या, मातंगी आई एक फैरो के सर पर मारी, बोले इसको भेज दिया अंदर, तुझे क्या जानता है। वो डर गया, बोला स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का शिष्य दिखता ही है, द्वार खोल लिया और स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में वो जाकर जब गिरा तो सारे साधक देख रहे थे कि यह कौन है, ये यहाँ तक कैसे आया और इसने इसकी इतनी बड़ी की इसने कुछ नहीं, केवल गुरु जी का वह मंत्र, वो विशेष मंत्र जिस मंत्र को कहते हुए स्वामी निखिलेश्वरानंद जी उसे उठाया और उसको वहाँ की धूलि का भस्म लगाते हुए कहा कि तू यहाँ पहुँच गया वामांग। उसने कहा हाँ मैं पहचान हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने पूछा कि हम इतने हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, आपने इस वामांग को यहाँ कैसे पूछा, उसके फटे फटे कपड़े हैं, उसके पाँव में छाले हुए हैं, आखिर ये है कौन, आप इसे क्या जानते हैं। तब स्वामी निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं यह एक मेरा सेवक है, इसने मेरी 21 दिन तक सेवा निरंकुश रूप से सेवा की थी, मैंने उसको दिव्यौघ मंत्र से उसको मंत्र दिया था और वो उस मंत्र को उच्चारण करने भी नहीं आता, उसने वो मंत्र किया और आज वो सिद्धाश्रम में पहुंच गया। सभी सिद्धाश्रम के योगी बोले आज तक हमने आपने हमें दिव्यौघ मंत्र नहीं बताया, मैंने बोला आपने सेवा कहाँ की मेरी इसके तरीके। सभी लोग आश्चर्य में रह गए कि सेवा का भाव क्या होता है और किस तरह आगे जाना जाता है। उन्होंने तब गुरु जी ने कहा कि 21 दिन तक बिना नींद बिना सोए बिना खाए बिना अपने इसके इसने सेवा की थी और उसकी सेवा को देखकर मैं प्रसन्न होकर उसको यह मैंने मंत्र दिया है और यह मंत्र आज मैं भी आपको देता हूँ। जो 41 दिन इस मंत्र को करेगा, आपके जीवन में अगर आप आना चाहते हैं सिद्धाश्रम मेरे साथ, तो आपके जीवन में अड़चने आएगी, आपको धैर्य आएगा, आप सामर्थ्यवान जीवन जिएंगे। इसमें केवल आपको गुरु गुटिका आपके पास रखकर 41 दिन तक इस मंत्र को करना है। जीवन में अगर मेरे साथ आने की क्रिया आपको करनी है, दोनों हाथ अगर ऊपर उठाने हैं, अपने बीवी बच्चों को भूल जाना है,
तो इस 3 साल के लिए नहीं, बीवी बच्चे कहते तो आप रहें, आपके बीवी बच्चे, आपका धन, आपकी नौकरी, आपका सब कुछ आपको मुबारक है। मुझे मेरे सिद्धाश्रम के मेरे गुरु मुझे मुबारक है, मैं उनको लेकर चलूंगा। मैं उस मंत्र को गुरु गुटिका के साथ आज दीक्षा प्रदान करते हुए उन साधकों को दूंगा जिन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार तो सव्वालाख गुरु मंत्र जप किया है। एक बार हाथ उठाकर बता दो कि किसने अपने जीवन में सव्वालाख गुरु मंत्र जप किया है, पूर्ण किया है। केवल जिन्होंने सव्वालाख गुरु मंत्र जप किया है वही लोग गुरु गुटिका लेकर यहाँ आए। मैं उस दिव्य गुरु मंत्र को आपको प्रदान करता हूं। और आज गुरु जन्म दिवस के दिन हम गुरु जी के पास संकल्प करेंगे, हम कभी जीवन में असमर्थ जीवन नहीं जिएंगे, प्रभु आपके नाम से जिएंगे तो हम पेड़ के नीचे भी जिएंगे, तो सामर्थ्यवान 10 लोगों को लेकर जिएंगे, 10 लोगों के साथ जिएंगे। यह बात करते हुए आप प्रमाण करेंगे कि गुरु जी हम आपके हैं, आप हमारे बन जाओ। यह प्रार्थना आज के दिन होगा और आज के दिन यही बात करने के लिए इस दिव्य मंत्र को आपको प्रदान करूंगा। आप इससे पहले आज गुरु जन्म दिवस पर पहले गुरु दीक्षा की पहले सामान्य गुरु दीक्षा लेंगे, उसके बाद दिव्य गुरु दीक्षा मैं आपको प्रदान करूंगा, जो शिष्य के जीवन की बहुत एक चरम सीमा की दीक्षा कहलाई गई है। जिसके साथ जिसको ये दिव्य गुरु दीक्षा प्राप्त हुई वह संसार का सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाया गया। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है आपके पीछे धन दौलत औरत बच्चे ये सारे पीढ़े नौकरियां सब पड़े हुए हैं, आपके पीछे और क्या क्या नहीं है, आपकी सुंदरता, आपका जीवन, आपकी सुख संपत्ति, ये सारी चीजें आपके पीछे पड़ी हुई है और आप इसके छोड़कर मुझे मेरे पास मेरे साथ नहीं आएंगे, ये मुझे गारंटी है। लेकिन कम से कम वो दिव्य गुरु मंत्र तो आपके जीवन में कोई ना कोई प्रकाश डाले, इसलिए उस मंत्र को आपको दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप इस मंत्र को करें। पहले गुरु जी की सामान्य दीक्षा प्रदान करूंगा, आप सब लोग दीक्षा के लिए उद्यत हो जाए, जो लिए हैं जो नहीं लिए हैं वो सब लोग दीक्षा के लिए उद्यत हों। हाथ जोड़े बोले गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियं श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका बाया हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रह ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदया। मैं आज आपको जो दिव्य मंत्र के बारे में बता रहा था, पुंडरीक नाम के एक विष्णु भक्त होके गए, वो विष्णु भक्त भी इसी प्रकार भगवान के भक्त थे और उन्होंने अपने भगवान की आराधना की थी। वे अपने अपने आप पर बहुत सत्य के साथ रहे, गुरु मंत्र जप करते रहे, लेकिन उनको कभी भी संसार की बाधा लगाई थी कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, इसका कैसा हो क्या हो, लेकिन सत्य सत्यता पर जीते थे और रोज गुरु मंत्र को करते थे। वो एक बार उनको अपने जीवन पर ही घृणा हुई और वे जंगल में जाकर कुछ दिन बिताने के लिए जंगल में गए और पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु मंत्र जप करते रहे। उनको एक बार ध्यान में लग गए तो उनके ध्यान में लग जाने के बाद कम से कम 10 दिन हो गया, उनको उस ध्यान से नहीं छूटे। जब ध्यान से नहीं छूटे तो वहाँ से महर्षि नारद जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कौन बालक यहाँ बैठा हुआ है। वो आए और उस बालक को उठाकर बोले तू क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मुझे संसार भर में मेरे बीवी बच्चे घरदार यही लगता है, मैं कभी भगवान नारायण को दिख सकूंगा या नहीं दिख सकूंगा इसकी चिंता बनी हुई। और उन्होंने पूछा नारायण से आप कौन है, यहाँ आए बिना वगैरह जंगल में आप किस लिए आए, तो उन्होंने कहा मैं भी विष्णु भक्त नारायण नारद हूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे विष्णु भक्ति का करने के लिए नारायण के दृष्टि के लिए क्या करना है। तब नारद महर्षि ने जो दिव्योघ मंत्र दिया और उस मंत्र से पुंडरीक साक्षात भगवान विष्णु की
कृष्ण के दर्शन को पात्र हुए। ऐसे ही इस मंत्र को ऐसे शिष्यों ने जो अपने जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, सामर्थ्यवान जीवन जीना चाहते हैं, अपने माता पिता भाई बहन और लोक कल्याण करना चाहते हैं, एक सामर्थ्यवान जीवन असमर्थ जीवन नहीं जीना चाहते हैं, वो दिव्य मंत्र को पूर्ण निष्ठा के साथ जिसने किया उसके जीवन में कम से कम यह जीवन नहीं तो अगला जन्म तो उसके लिए एक श्रेष्ठ जीवन कहलाया गया। मेरा कर्तव्य है आपको मार्ग बताना, आपकी असमर्थता को मिटाना और सामर्थ्यवान की तरफ ले जाना, ये मेरा कर्तव्य है। मैं कर्तव्य की निष्ठा अब मैं शिष्य के नाते कर्तव्य निभाते हुए मैं आपको उस दिव्य मंत्र को दे रहा हूँ। आप गुरुगुटी का लेकर यहाँ आए और आपके हाथ में स्फटिक माला पकड़े, मैं उसके बाद में दिव्य मंत्र देता हूँ। दिव्य मंत्र आज गुरुजन्म दिवस पर तुम्हारे लिए अगर मैं कहूँ तो एक गिफ्ट है, जो जीवन का पहला ऐसा मंत्र है जो तुम्हें सिद्धाश्रम तक पहुंचाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में जरूर एक कार्य होगा। इस दिव्य मंत्र को आज पहली बार मैं दे रहा हूँ, गुरुगुटी का आपके हाथ में लगकर इस मंत्र को करना है और यह तुम्हें तुम्हारे जीवन में जितने भी अड़चनें आई हैं उस अड़चनों को निवारण करते हुए तुम्हें गुरु तक पहुंचाने की क्रिया करेगा। और तुम अगर चलते चलते मेरे साथ चलते रहो तो मैं इतनी भी गारंटी देता हूं कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी तुम्हें जरूर दर्शन देंगे इस दिव्य मंत्र और गुरुगुटिका के साथ। आशीर्वाद देता हूं कि आप ये कार्य करें। मैं 15 मिनट का समय आपको देता हूँ।